दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में नए साल का जश्न मनाने पहुंचने वाले सैलानियों को मायूसी हाथ लगेगी। प्रशासन के एक फैसले ने लोगों के नए साल की स्वागत की तैयारी पर पानी फेर दिया है। प्रशासन के इस फैसले में नए साल के जश्न पर ग्रहण लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के जू सफारी और नेचर सफारी को एक आदेश जारी करके बंद करने का फैसला लिया गया है। गौरतलब हो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में इस बार नए साल में सैलानियों की चहल पहल देखने को नहीं मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के जू सफारी और नेचर सफारी को बंद कर दिया गया है। इस बाबत जू सफारी के डायरेक्टर हेमंत पाटिल ने एक आदेश जारी किया है। इस फैसले से पर्यटकों में मायूसी देखी जा रही है। इस फैसले के पीछे की वजह मेंटेनेंस बताई गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इस फैसले को लिया गया है। राजगीर के जू सफारी और नेचर सफारी को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से बड़े पैमाने पर पर्यटक राजगीर पहुंचते हैं। अचानक इस आदेश के जारी होने के बाद कहीं न कहीं नए साल के मौके पर आने वाले सैलानियों के बीच मायूसी छा गई है। जू सफारी और नेचर सफारी को क्यों बंद कर दिया गया, इसके बारे में जब डीएफओ से जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। नालंदा में नए साल के मौके पर पिकनिक मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी राजगीर पहुंचते हैं। इस बार सैलानियों में काफी उत्साह था, क्योंकि कोरोना काल के दो साल बाद राजगीर के जू सफारी और नेचर सफारी का लोग आनंद ले सकते थे। लेकिन 1 जनवरी से पहले ही आदेश जारी कर पर्यटकों के लिए इसे बंद कर दिया गया है। जू सफारी के डायरेक्टर हेमंत पाटिल ने एक लेटर जारी करते हुए जू सफारी और नेचर सफारी को बंद रहने की बात कही है, जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस का हवाला देते हुए बंद करने की बात बताई है। यानी कहीं ना कहीं नए साल का जश्न मनाने के लिए राजगीर के जू सफारी और नेचर सफारी पहुंचने वाले पर्यटकों को मायूसी हाथ लगेगी और पर्यटक राजगीर के जू सफारी और नेचर सफारी का आनंद नहीं ले सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।